बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। आज की जो वीडियो है वो रिएक्शन तो नहीं मैं कहूँगी इसको, रिएक्शन आप नहीं कह सकते, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ खुलासा मैं करने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। दरअसल प्रीति और भंकुश जी के बीच में जो झगड़ा हो रहा है, अंकुश उनका असली नाम है, भंकुश जी उनको बोलते हैं, पता नहीं क्या चेंज करे वो नाम है, तो उनके बीच में जो चल रहा है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। इनकी शादी के कुछ टाइम बाद ही इनके पंगे हो गए थे और उनका जो बेबी है वो हुआ, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये यूट्यूब पर इनके झगड़े आ गए हो और प्रीति अपना घर छोड़कर या फिर प्रीति को निकाला गया था। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि प्रीति की शादी जो थी ये वो उस इससे पहले उनकी वो किसी को पसंद करती थी, वहाँ पर इनकी सगाई हुई, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी हुई। उसके बाद में जो इन्होंने क्लेम किया कि वो लड़का सही नहीं था, वो सिर्फ इनसे पैसे ऐंठ रहा था, इस तरीके की चीज़ें, तो इनकी जो सगाई है वो टूट गई। और उसके बाद में जल्दबाजी में घर वालों ने एक ऐसा लड़का देख लिया जो कि प्रीति के नीचे दबके रहे। अब भंकुश जी को भी लालच था, भंकुश जी को पता था कि इनका जो भाई है, क्योंकि भंकुश जी जो है वो प्रीति के भाई के फ्रेंड थे, इनको पता था अच्छी तरीके से कि इनके यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी आती है, अच्छी खासी इनकम है। उस वक्त भंकुश जी के घर की इनकम सही नहीं थी, तो अच्छी खासी इनकम आती, उन्हें लगा, भंकुश जी का भी अपना एक चैनल था, उन्हें लगा कि भैया ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा कि अगर मैं प्रीति से शादी कर लेता हूँ तो फिर मुझे बेनिफिट होगा। और वहाँ पर जो है दोनों की शादी तय हो जाती है। हालांकि भंकुश जी के घर वाले शादी के खिलाफ थे, क्योंकि प्रीति जी की जो पहले जो शादी थी, जो एंगेजमेंट जो हुई थी, उसके चर्चे काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो चुके थे आस पड़ोस में। इस वजह से घर वाले नहीं चाहते थे कि इनकी शादी हो, क्योंकि ये यूट्यूब पर सब कुछ था, तो इसे कहते हैं नुकसान। यूट्यूबर्स का और ब्लॉगर्स का ये बहुत तगड़ा नुकसान होता है जब ये बिना मतलब कुछ चीज़ों का हवा बना देते हैं, और फिर यही सब चीज़ें होती है, भले ही उसमें प्रीति की गलती ना हो या फिर हो भी, क्योंकि रिश्ते बनते और टूटते हैं, कई बार बनते हैं नॉर्मल उसमें, लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें फैल जाती हैं तो लोगों के मन में सवाल होता है कि क्यों टूटा, लड़की की लव मैरिज थी, इतने टाइम तक साथ में रही है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वहाँ पे भंकुश जी के परिवार वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी भंकुश जी ने मनाया, क्योंकि भंकुश जी को था पूरा पतगड़े वाला लालच, और वो शायद ये भी क्लेम किया गया कि वो प्रीति को पसंद करते थे। शादी हो गई, धूमधाम से शादी हुई, और उसके बाद में भंकुश जी के यहाँ प्रीति जी चली गई। प्रीति जी के लिए कहा जाता था कि वो कभी घर का काम नहीं करती दिखाई देती थी, असल दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हुए और काफ़ी प्यार भरे जो व्लॉग्स है वो आते थे, लेकिन वहाँ पर कभी भी वो अपने सास के साथ ज़्यादा नहीं दिखती थी और ना ही ननद के साथ में दिखती थी। हालात बढ़ते गए और प्रीति जी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के बाद में प्रेगनेंसी व्लॉगिंग शुरू हुई। अब भंकुश जी भी चाहते थे कि वो व्लॉगिंग करे, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ प्रीति चाहती थी कि जो ये कंटेंट है, जो भी आने वाला है ज़िंदगी में, ये सिर्फ वो दिखाए जिससे कि इनके व्यूज़ और इनकी इनकम ज़्यादा आए, इनकम ज़्यादा आएगी तो पति देव पत्नी से दबके रहेंगे। इसके बाद में भंकुश जी भी क्या चाहते थे कि बच्चा तो दोनों का है, तो भैया ऐसा ना हो तो हम दोनों मिलके जो है कर लेंगे। कंटेंट शुरू हुआ, बच्चे का पालन पोषण शुरू हुआ, वहाँ से मन मुटाव शुरू हो गए। इसी बीच में प्रीति की ननंद ने भी चैनल बना लिया, जहाँ पर ना तो उनको कोई सपोर्ट किया गया, और ऊपर से उनको जो प्रीति है इनके कंडीशंस के बारे में भी कुछ भी कहना अलाउ नहीं था। जहाँ पर एक तरफ प्रीति के बहन भाई इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से भुना रहे थे कि प्रीति प्रेग्नेंट है, वहीं दूसरी तरफ ननंद को वहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसके साथ साथ जो हस्बैंड है वो भी बेचारा जो है झेल रहा था। वहाँ पर प्रीति जी के तो मन में आ गया था कि भाई ये तो कहीं मेरा कंटेंट ना छीन ले, और ये सब बातें दोनों के जो है भंकुश जी को भी समझ में आ गई थी, कहीं ना कहीं प्रीति इस चीज़ से हट रही है। बच्चा हुआ, सब कुछ ठीक था। उसके बाद में जो प्रीति के घर वाले थे वो हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद में भी पंगे ये हुए कि जो प्रीति की बहन थी उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की गई, और शायद वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि हमारा कंटेंट चला जाएगा, क्योंकि हर कोई चाह रहा था कि पहले हम बता दें कि लड़का हुआ है लड़की, पहले हम फेस दिखा दें, पहले हम ये कर दें वो कर दें, जिससे कि हमारे व्यूज़ ज़्यादा आए। व्यूज़ का लफड़ा ऐसा चला
कि भाई बंकू जी ने प्रीति के घर वालों तक को मना कर दिया कि भाई तुम घर पे मत आओ जब हम बेबी को लेके जा रहे हैं। खैर प्रीति जी को भी वहां पर उनकी जरूरत थी और प्रीति जी चुपचाप अपने ससुराल वालों के साथ चली गई। लेकिन प्रीति जी इतने में नहीं मानी, जब वहां पर फंक्शंस होते थे तो ज़्यादा वहाँ पर बहन भाइयों की किसी की भी ब्लॉगिंग अलाउ नहीं थी, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था। उन्हें लगता था कि हमारी इंसल्ट हो गई। उसमें दूसरी तरफ बच्ची की ब्लॉगिंग हो रही थी। वहाँ पर एक दिन झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बंकू जी और प्रीति का जो झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि प्रीति जी खुद अपने पहले परिवार वालों को बुलाया, उसके बाद जो लड़ाई झगड़े हुए वो हुए। नहीं, उससे पहले प्रीति जी खुद बिना बताए अपने ससुराल वालों को अपने मायके चली गई। मायके चले जाने के बाद में अपने बहन भाई को उनको लेके आई। दोनों ससुराल वालों की और मायके वालों की खूब जम के लड़ाई हुई। उसके बाद में प्रीति जी अपने घर चली गई। ये था पूरा मामला। अब जो लोग ये कह रहे हैं बिना जांच पड़ताल के कि प्रीति को उसके ससुराल वालों ने निकाला है, नहीं, प्रीति खुद छोड़ के गई थी और उनके घर वालों की काफी लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद ये कंक्लूजन निकला कि या तो प्रीति ससुराल वालों से रिश्ता रखेगी या मायके वालों से। तो प्रीति जी ने अपना सारा सामान उठाया और चल दिए अपने मायके वालों की तरफ। तो यहाँ पे बंकू जी की गलती नहीं है, लेकिन खेल जो सब था वो यूट्यूब का था। बंकू जी ने अपना चैनल ग्रो करने के लिए बहुत कुछ किया। पहले प्रीति जी अपने घर रह रही थी, लेकिन लोगों को शक हुआ। वहां पर किसी को ये चीजें बताई नहीं गई कि क्या हुआ है, लेकिन लोगों को शक हुआ। अब लोगों को शक हुआ तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, सवाल पूछने शुरू कर दिए। तो दोनों तरफ से प्लानिंग बनी गई। पहले एक तरफ से कुछ बातें लीक होनी शुरू हो गई कि भाई भंकुस के परिवार में ये हुआ है। एक तरफ से बातें लीक शुरू हो गई जहां पर एक पार्टी की काफी ज्यादा बुराई की जा रही थी। यूट्यूब चैनल्स को बताया जा रहा था कि भाई सामने वाले ने मेरे साथ में ये किया, एक की बहुत ज्यादा बुराई हो रही थी। अब दूसरे वाले ने कहा कि भाई मेरी बुराई कर रहे हैं दूसरे यूट्यूबर, जब मैंने कुछ कहा ही नहीं और जब अब तक ये बातें यूट्यूब पर हमने बताई नहीं तो ये लोगों को कैसे पता चली। तो दूसरे यूट्यूबर ने भी कुछ ऐसे लोग हायर करे जो कि सामने वाले के खिलाफ हो गए, यानी कि दोनों के ही सपोर्ट में कुछ ऐसे चैनल्स आ गए जो कि इनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो लीक की जाती थी दोनों की तरफ से एक दूसरे की, और वो एक दूसरे की बैठ के धज्जियाँ उड़ाते थे। लेकिन जो चैनल्स इस बेलबूते पर चल रहे थे उनका भी मामला शांत हो गया जब एक दूसरे की खूब धज्जियाँ उड़ा ली और उन्हें वहाँ से कॉन्टेंट नहीं मिला, तो सारे चैनल अपने अपने काम में लग गए। लेकिन इसी बीच में फिर से पंगा हो गया। अब भाई बच्चे को तो लेके चली गई थी बंकू जी के पास में, बंकू जी और उनकी माता जी जो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उन्हें मिलने की भी उनसे परमिशन नहीं थी। तो इस बीच में अब शायद बंकू जी की दूसरी शादी की बात हो रही है। तो अगर कोई बिना इन्फॉर्मेशन के या किसी चीज़ के कुछ भी कह रहा है तो मैं यही कहूँगी कि गलती दोनों तरफ से थी, लेकिन कभी भी प्रीति को ससुराल वालों की तरफ से टॉर्चर नहीं किया गया। हाँ, जो उनके उनको कुछ ताने दिए जाते थे उसका रीज़न ये था कि प्रीति भी वहाँ पर गलतियाँ करती थी, जिस वजह से सामने वाली पार्टी तो बोलती थी। तो यहाँ पर जो गलती थी वो दोनों की थी, ऐसा नहीं है किसी एक की गलती थी। जो लोग कह रहे हैं कि एक पार्टी की गलती थी, प्रीति को निकाला गया, सास ने घर तोड़वा दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़्यादा अच्छी बनी होती ना, तो कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसके बेटे का घर बर्बाद हो। और बेटे के घर बर्बाद होने से अलग बात है, अपने पोते को कोई भी अलग नहीं करना चाहती। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि माँ ने ये कर दिया वो कर दिया, कि माँ की गलती नहीं है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की दोनों की गलती होती है। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी, जिस वजह से ये सब चीज़ें हुआ। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।